ये तो आप जान ही गए कि गर्मा गर्म सियासत के बीच देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया और इस उद्घाटन समारोह में 20 से अधिक राजनीतिक पार्टियों ने शिरकत की, तो वहीं 19 दलों ने इस समारोह का बहिष्कार किया। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया और साथ ही पीएम मोदी ने एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। नए संसद भवन के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं कि इसके अंदर में क्या क्या खूबियां हैं, तो वहीं नई पार्लियामेंट पुराने भवन से कितना अलग है। ऐसे में आज हम 5 PM के 5 का तड़का में आपको उन 5 बातों में नए संसद भवन के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर की। इसकी लंबाई चौड़ाई से लेकर यह इमारत कितने फ्लोर की है, इस पर बात करते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को इस नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी और इसे पूरा होने में लगभग 2.5 साल लगे और साथ ही 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन भी पीएम मोदी ने ही किया। जानकारी के अनुसार ये भवन 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और साथ ही यह 4 मंजिला इमारत है जो कि त्रिकोणीय आकार में बना हुआ है और इसे तैयार करने में करीब 60,000 मजदूर लगाए गए थे और इन मजदूरों के लिए एक डिजिटल गैलरी भी बनाई गई है। तो वहीं अब बात करते हैं 4वें नंबर की। इस नंबर पर बात करते हैं इसके थीम की। दरअसल इस भवन को लेकर लोगों में अभी भी उत्सुकता है कि इसकी डिजाइनिंग कैसे हुई और साथ ही इसका थीम क्या है। बताया जाता है कि इस इमारत के 3 मुख्य द्वार है, इन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार नाम दिया गया है और इसमें VIP सांसदों और साथ ही साथ आगंतुकों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। वहीं संसद में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया है। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा कक्ष को राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर और साथ ही राज्यसभा कक्ष को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर बनाया गया है। अब बात करते हैं 3रे नंबर की। 3रे नंबर पर बात करते हैं यहाँ लगे कालीन की। नए संसद भवन में बनी हर बारीकी की कुछ खास ही चर्चा हो रही है और इसमें लोकसभा से लेकर राज्यसभा के फर्श की शोभा बढ़ाने वाले कालीन तो देखते ही बन रही है। बताया गया है कि इस कालीन को उत्तर प्रदेश के करीब 900 कारीगरों ने तैयार किया है और इसे तैयार करने में कारीगरों को लगभग 10 लाख घंटे लगे हैं और साथ ही लोकसभा और राज्यसभा की कालीनों में क्रमशः साथ ही साथ राष्ट्रीय पक्षी मोर और साथ ही राष्ट्रीय पुष्प कमल के उत्कृष्ट रूपों को दर्शाया गया है। इसे 100 साल से ज्यादा पुरानी भारतीय कंपनी OBT कारपेट ने तैयार किया है। अब बात करते हैं 2रे नंबर की। इस भवन को बनाने में कितनी लागत आई है, इसमें कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था है, इसको लेकर लोगों के बीच में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नए संसद भवन को बनाने में लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस भवन में भव्य संविधान हॉल, सदस्यों के लिए लॉन्च, लाइब्रेरी और कई बड़े बड़े रूम, कैफे, डाइनिंग एरिया और साथ ही साथ पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह। खास बात की इसका डिजाइन गुजरात की कंपनी HCP ने तैयार किया है जबकि इसे अमलेजामा टाटा प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने तैयार किया है। अब बात करते हैं 1रे नंबर की। इस भवन की तुलना लोग पुराने वाले पार्लियामेंट से भी कर रहे हैं और इसे लेकर सियासत भी काफी ज्यादा तेज है। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संसद के नए और पुराने भवन में काफी अंतर है। पुराना संसद भवन करीब 6 साल में तैयार हुआ था और वही पुराना भवन 1927 में बना था जबकि नया भवन लगभग 2.5 साल में बन गया। कहा जाता है कि पुराने भवन को वर्तमान आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त पाया गया और बैठने की व्यवस्था भी काफी ज्यादा कंजस्टेड थी। ऐसे में नए भवन की जरूरत पड़ी और 566 मीटर रेडियस में बने पुराने भवन में लोकसभा में 550 और साथ ही राज्यसभा में महज 250 सदस्यों के बैठने की क्षमता है। पुराने भवन में जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती थी तो जगह की कमी साफ दिखती थी, जबकि नए भवन के लोकसभा चैम्बर में 888 सदस्य और राज्यसभा चैम्बर में 384 सदस्य बैठने की क्षमता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।